क्या आप लोग ये जानते हैं कि प्लास्टिक से आप अपने देश के साथ ही पृथ्वी को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? हम आपको बताते हैं कि आपकी ये गलती एनवायरनमेंट के लिए कितनी नुकसानदायक साबित हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्येक टन प्लास्टिक के बदले हम $33,000 यानी कि 23,74,000 रुपये के पर्यावरणीय मूल्य का नुकसान करते हैं। हम एक साल में लगभग 300 मिलियन टन यानी कि 3,000 लाख टन प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर फिशिंग इंडस्ट्री और टूरिज्म इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका सर्वाइवल समुद्र से होता है। समुद्र का अपना एक नेचुरल कैपिटल है। इस पर आधारित इकोनॉमी को मरीन इकोसिस्टम कहा जाता है और प्लास्टिक की वजह से इसे भी भारी संख्या में नुकसान हो रहा है। हर साल हम $2.5 ट्रिलियन के मरीन इकोसिस्टम वैल्यू का नुकसान कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा होने में बहुत समय नहीं है और 2050 तक ये स्थिति खतरनाक हो सकती है। एक साल में हम लगभग 8 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्र में डाल देते हैं और इसका नुकसान सिर्फ पर्यावरण ही नहीं बल्कि इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है। प्लास्टिक के टूरिज्म इंडस्ट्री को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। समुद्र के बीच टूरिज्म के लिए बड़ा केंद्र है। गोवा जैसे राज्य इन्हीं समुद्रों के किनारों से पैसा कमा रहे हैं। प्लास्टिक का इन पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है और जो प्लास्टिक और कचरा समुद्र में जाता है वो हाई टाइड के समय समुद्र उसे वापस किनारे पर छोड़ देता है। इसका सीधा असर पर्यटक पर पड़ता है क्योंकि गंदगी किसी को भी पसंद नहीं होती। खेती पर भी आपके फेंके हुए प्लास्टिक का बड़ा असर होता है। प्लास्टिक से टूटकर पहले माइक्रो प्लास्टिक और फिर नैनो प्लास्टिक में बदल जाता है। अगर खेत की मिट्टी में ये मिल जाए तो सिंचाई सही तरीके से नहीं हो पाती और इसका असर पशुओं पर भी पड़ता है। पशु और खेत दोनों ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मुख्य अंग हैं। अगर आप भी अपनी पृथ्वी और अपने देश को बचाना चाहते हैं तो प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए भाषण में देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाने की अपील की थी। उन्होंने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन इस अभियान के शुरू होने की बात कही है। तो आप भी अपनी देश की तरक्की में अपना योगदान दें। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.